हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन इफ अल्फा बीटा गामा आर द क्यूब रूट्स ऑफ पी पी लेस देन जीरो देन फॉर एनी एक्स वाई एंड जेड देन एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा प्लस जेड गामा अपॉन एक्स बीटा प्लस वाई गामा प्लस जेड अल्फा इज इक्वल टू तो यहां से हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा हम जानते हैं ओमेगा क्यूब क्या होता है वन होता है ठीक है इसका वैल्यू और हम लिख सकते हैं कि यहां से देखो जो लिखा हुआ है हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ पी क्या है यानी पी रेस टू पावर वन बाई थ्री क्यूब रूट हमें क्या कह दिए हैं एल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा तो हम जानते हैं कि क्यूब रूट क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर ऑफ एनी नंबर पी आर एन जी पी आर इन जीपी विथ कॉमन रेशियो विथ कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे ओमेगा ठीक है कॉमन रेशियो ओमेगा के साथ ये क्या होते हैं एक जीपी में होते हैं ठीक है तो अगर यहाँ पे एल्फा है फर्स्ट तो बीटा को हम क्या लिख सकते हैं बीटा को लिखा जा सकता है एल्फा ओमेगा और गामा को लिखा जा सकता है एल्फा ओमेगा स्क्वायर ठीक है तो अब अगर हम इसकी वैल्यू बतानी है एक्स एल्फा प्लस वाई बीटा प्लस जेड गामा होल अपॉन में एक्स बीटा प्लस वाई गामा प्लस जेड एल्फा तो इसका वैल्यू देखो एल्फा का वैल्यू एज इट इज एक्स ही रहने दिया देन बीटा का वैल्यू रख देंगे एल्फा ओमेगा तो एल्फा ओमेगा वाई प्लस में गामा का वैल्यू एल्फा ओमेगा स्क्वायर तो एल्फा ओमेगा स्क्वायर जेड होल अपॉन में कितना है यहाँ पर भी सेम वैल्यूज रख देते हैं तो एल्फा ओमेगा एक्स प्लस एल्फा ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस में जेड एल्फा एल्फा कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से एल्फा कॉमन लेते हैं प्लस में ओमेगा वाई प्लस में ओमेगा स्क्वायर जेड बन जाएगा और होल अपॉन में यहाँ पे एल्फा कॉमन लिया तो एक्स ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस में जेड बच जाएगा अल्फा से अल्फा डिवाइड हो गया ठीक है यानी कि फर्दर देखो जो वैल्यू है हमारे पास क्या बन जाएगी अल्फ़ा से अल्फा तो डिवाइड हो गया अब हम नीचे से ओमेगा जो है कॉमन निकाल लेंगे तो एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस में प्लस में ओमेगा स्क्वायर जेड होल अपॉन में अगर यहां से ओमेगा कॉमन निकाल लिया हमने तो बचेगा क्या एक्स प्लस में ओमेगा स्क्वायर अपॉन में ओमेगा यानी ओमेगा हो गया तो ओमेगा वाई प्लस में यहां पे जेड अपॉन ओमेगा जेड अपॉन ओमेगा ये बच गया तो अब देखो एक बात नोट करो अगर हम वन अपन ओमेगा का वैल्यू लिखेंगे तो वन को ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि ओमेगा क्यूब का वैल्यू वन होता है ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं अपॉन में ओमेगा ठीक है तो ये इवेंचुअली आ गया ओमेगा स्क्वायर यानी कि देखो इधर से वन अपॉन ओमेगा अलग कर लिया यहाँ पे ऊपर बचा हुआ एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड होल अपॉन में यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास ये तो मल्टीप्लाई में था x प्लस में ओमेगा वाई और वन अपान ओमेगा का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर रख देते हैं तो ओमेगा स्क्वायर Z. तो ये टर्म आपस में कंप्लीटली हो गया डिवाइड हमारे पास वन अपन ओमेगा बचेगा जिसका वैल्यू ओमेगा स्क्वायर होता है तो जो रिक्वायर्ड आंसर है इसके लिए वो ओमेगा स्क्वायर यानी ऑप्शन ए हो गया आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन बेस्ट ऑफ लक